वो स्टोरी बता ना, ये बंद किस तरह हुई मुझे ये समझ नहीं थी, बस खड़े खड़े एकदम से पूरी चाइन यार बंद। मजे की बात मैं आपको बताऊं कि आखिरी दिनों में ऐसा होता था कि जहाज प्रिपेयर्ड खड़ा होता था। हम इंजीनियरिंग से थे ना, हमारी ड्यूटी होती जहाज प्रिपेयर्ड खड़ा हुआ है, पैसेंजर्स भी हैं, कैप्टन नहीं होते थे, फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट है, इतने मतलब फ्लाइंग हो रही थी, कैप्टन नहीं होते। तूने नहीं बताया यार, हमाद ने तो बता दिया जिंदगी में उसने यूट्यूब किया, तो तूने क्या किया है? और माइक को थोड़ा सा अपने मुंह के सामने ले आओ, अब तुम बताओ कि तुमने क्या किया है। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही होगी। अच्छा शायद 2016 में इंजीनियरिंग खत्म हुई थी। अच्छा 16 के बाद तो वाली साहब का इंतकाल हो गया था 16 में, उनको जन्नत दे आमीन। तो जॉब बड़ी ज़रूरी होगी उस टाइम पर कि जॉब चाहिए, मतलब ठंड हो रही थी, हालांकि MS का प्लान था लेकिन फिर सही जॉब शुरू कर दी। शाहीन में था मैं, शाहीन एयरलाइंस में। तो 2016 5 दिसंबर मेरी ड्रीम जॉब थी बाय द वे। अच्छा मैंने एविएशन में जाना था, बचपन से ख्वाहिश थी एविएशन। पूरा ख़ानदान ही एयर ब्लू PIA में होता है। तो एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर ज्वाइन किया था शाहीन को, तो 2 साल उधर जॉब किया। 2018 के मिड में उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया इंडस्ट्री को। अच्छा वो स्टोरी बता ना, ये बंद किस तरह हुई मुझे ये समझ नहीं थी, बस खड़े खड़े एकदम से पूरी चाइन में। यार 5000 एम्प्लॉइज हों जिसका 5000। अच्छा वो और जहाज भी उड़े हैं, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि आखिरी दिनों में ऐसा होता था कि जहाज प्रिपेयर्ड खड़ा होता था। हम इंजीनियरिंग से थे ना, हमारी ड्यूटी होती जहाज प्रिपेयर्ड खड़ा हुआ है, पैसेंजर्स भी हैं, कैप्टन नहीं होते थे, फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट है, इतने मतलब फ्लाइंग हो रही थी, कैप्टन नहीं होते थे, फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट होते थे उनके, खुद नहीं समझ रही। रोज़ जा रहे हैं ऑफिस, आज डाउनसाइजिंग होगी, आज डाउनसाइजिंग होगी, आज लिस्टें तैयार हो रही हैं, मतलब एयरलाइन फुली फंक्शनल, फुली फंक्शनल, जहाज चल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही लीक कहाँ से हो रहे हैं। हाँ नहीं समझा। अच्छा होता मज़ा मतलब हंसी इस चीज़ पे आती थी, जहाज हमारा तैयार खड़ा, जा नहीं रहा। थोड़ी देर बाद कैप्टन बुलाता था ऊपर, यार वो आपको पता है CA वाले हमें फ्लाई करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, कैप्टन साहब बैठे हुए हैं, हम नीचे सर पे हाथ रख के बैठे हैं, जहाज नहीं जा रहा। तो फिर होता क्या था, जहाज जाता था कि नहीं जाता? पैसे शैसे दे के डील, वही बात है आपको पता है, फिर पाकिस्तान में ये चीज़ें 2016 से ही देखते आ रहे हैं, जहाँ पे चला दो पहिया लग गया फाइल पे चलना शुरू हो जाती हो। तो बहरहाल जहाज उड़ जाते थे, फिर एकदम से अचानक कोई मेरे ख्याल से अगस्त में सैलरीज रुकी 2018, फिर 2 महीने बाद फ्लाइट्स रुकी। तो सुनते यही थे बिक रही है, कोई सऊदी शहजादा खरीद रहा है, कभी कोई खरीद रहा है, कभी कोई खरीद रहा है। तो 2018 दिसंबर में फाइनली ऑफिस क्लोज हो गया था। तो 4-5 महीने मेरे ख्याल से विदाउट फ्लाइंग, मतलब फ्लाइट्स नहीं होते थे तो जाते थे ऑफिस। अच्छा जाते थे, जाते थे, लेकिन दिसंबर में फिर हमने कहा यार अब पेट्रोल लग रहा है, नहीं जाना। पैसे दे रहे थे तुम्हें जाने के? क्या नहीं ना, मैं नहीं दे रहा, पर वैसे ही ऑफिस बुला रहे। मैं वही आपको बात हूँ, पाकिस्तान की एक ना एनवायरनमेंट ऐसा, जॉब लेस जो बंदा है ना, ही इज लाइक अ कर्स्ड पर्सन घर के अंदर। ये तो है, तो उसमें सबसे बड़ा मसला है कि उस बंदे को खुद पता नहीं कि मैंने जिंदगी में करना क्या। अच्छा और एक तो ये था ना कि एविएशन एक फील्ड सेलेक्ट कर लिया कि चलो इसमें कुछ होगा, लेकिन कुछ था ही नहीं। अच्छा मैं कैप्टन होता ना, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग कर रहा होता, फर्स्ट ऑफिसर सेकंड ऑफिसर, ये फ्लाइंग में होता तो कहीं बंदा एडजस्ट हो जाता, आपको पता है वैसी दुनिया में कैप्टन से कमी है। इंजीनियरिंग के तो बेताशा बंदा पड़ा, इवन हमारे ऑफिस से कोई 30-40 बंदा घर जा रहा था, तो आप सोच लें कितना बंदा होगा। बड़ी बात है। तो फिर वो जो अलमिया ये है कि मतलब एविएशन इंडस्ट्री ये नहीं कि कोई एक जगह पे मतलब वर्कआउट कर रही है, पूरा पाकिस्तान में कर रही है, दुनिया में कर रही है, और ये हालात हैं कि वहाँ से निकले हुए बंदे को जॉब नहीं मिल रही। हमारे यार शाहीन 2018 में बंद हुई, उसके बाद एक जगह जॉब शुरू की, उसका नहीं नाम लेते, अभी भी रनिंग है। तो नहीं निकाल मैं गया, वो ये बड़ी मजे की स्टोरी, मैं इंटरव्यू देने गया ना, तो मुझे दोस्त ने इंटरव्यू करवाया, तो कहता जितनी भी सैलरी देना हम ही भर लें, तो बाद में देख लेंगे। मैं अच्छा जी, इंटरव्यू दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू अच्छा हो गया। तो एंड में जब सैलरी डिसाइड होनी आई, तो मुझे लगा वो मेरे साथ ना शाहीन ने मेरे साथ ना इंटरव्यू में हुआ था, मुझे कहते हैं कि कितनी सैलरी चाहिए, मैं कहा जितनी आपने देनी है, कहते हमने तो 2000 देनी है। तूने कहा यहाँ ये बोले? नहीं नहीं ये बहुत कम है, थोड़ी सी जबड़ा देना। बहरहाल वो थी एक सैलरी अच्छी थी माशाल्लाह। तो उधर भी मैंने ये किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने 10000 देनी है, मैंने कहा इधर ही मजाक हो रहा है। अच्छा मैंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, तो उन्होंने मुझे वाकई 10000 रख लिया। इससे आपने क्या सीखा? इससे मैंने ये सीखा कि कोई बंदा अगर इंटरव्यू में पूछे ना सैलरी कितनी चाहिए, तो भाइयों जो सोच ही वो बता देना। सही है। तो फिर मैंने कहा कि यार चलो हफ्ता अच्छा, मैंने उधर जॉब की, मेरा अंदर बड़ी खप थी, अजीब ड्यूटी थी, समझ नहीं आ रही थी, हर कोई समझ रहा था कि आई एम द बॉस। अच्छा
इवन जो मेरे से जूनियर्स थे, मैं 2016 का ग्रेजुएट था, जो 2018 के भी थे ना, देवर माई बॉस। अच्छा, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, चलो नई फील्ड है शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन नहीं समझ आई। हफ्ता मुश्किल से मैंने किया है। तो उसके बाद इधर उसी के दौरान इधर आया, उसी के दौरान मैं अप्लाई कर रहा था, अच्छा, तो बहरहाल मैंने फिर एक और कंपनी ज्वाइन की उसके बाद। उस कंपनी में मैं कसम से देख के आया हूँ, ऑफिशियल ऑफिस के अंदर लोग टेबल पे पाँव रख के नाखून काट रहे थे। यार यार इसका नाम कान में बता दे। नाखून काट नहीं, वो इधर आ जाता, तुझे पता भाई, इसको पता है, इसको पता है नाखून काट यार। मैं ऑफिस के अंदर इंटर हुआ लिटरली यार, मैं जी कहानी शायद मैंने पहले सुनी हुई है, आपने नहीं सुनी? नाखून भी काट रहा था आपने कोई? हमारे एक टीचर था, मुझे अभी तक याद है, एकदम क्लास में उसके उसके दांतों में भी दर्द हो रहा है और नाखून भी पैर ऊपर रख के काट रहा है वो क्लास ना लगता। और मेरा दोस्त मुझे आके कहता है, यार ये क्या यार, ये इंसान है क्या, ये नाखून क्लास में काट यार। रहा है। मैं आपको ना वो मंजर नहीं एक्सप्लेन कर सकता। आई मैं बैग लिया हुआ, लैपटॉप लिया हुआ, नया ऑफिस है भाई, मतलब कुछ तो सेक्सी सा होगा अंदर। वो दरवाजा खोला है अंदर, हाँ भाई, मैं कहा नहीं ज्वाइनिंग है। अच्छा बैठ जाओ। हाँ। यार मैं 3 घंटे बैठा हूँ वहाँ पे, तो मुझे अच्छा उन्होंने 12 घंटे बिठाया यार, ये समझ नहीं आ यार, क्या काम क्या था, मैं क्या बताऊँ तुझे, कुछ भी बारह नहीं, घंटे कुछ बिठाने भी की मुझे चीज नहीं। समझ मैं नहीं आ रही 12 घंटे है। बैठा इंतजार हूँ। क्यों करवाते, भाई नहीं रखना बता दो सीधा सीधा, नहीं नहीं रख रखना। चुके थे, रखने का अच्छा मसला नहीं था। अच्छा अच्छा मुझे रख लिया यार, हाँ कोई काम भी तो बताओ। अच्छा, और जो भी बंदा वहाँ आ रहा है ना, एक ही बात कर रहा है यार, किधर फंस रहे हो, खुद कोई भी खुश नहीं है, इवन के बॉसेस, इवन माई कुलीग्स जो थे साथ जिन्होंने जॉब करी थी, वो भी, यार क्यों आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या करोगे, कब करोगे। डिसार्ड हो गया, घर चला गया, फिर 4 महीने मेरे ख्याल से कुछ नहीं था। उस टाइम में तू क्या कर रहा था? ये उस टाइम हम तो में कहते हैं ना, लोगों को कुछ नहीं पता होता क्या करना है, तू क्या मुझे कर भी नहीं रहा समझ आ रही थी क्या करना था? है नहीं, तुझे पता ही नहीं था कि तूने करना क्या? सबसे। मुझे असल में अभी भी अगर आप पूछे ना, पर्सनली मुझे पसंद एविएशन ही है, बचपन का ड्रीम है यार, ठीक है, तुझे लेकिन अगर एक पाकिस्तान, पॉइंट पे मौका मिले कि तुझे हम फ्लाइंग लाइसेंस करवा दें, तू जहाज उड़ाएगा तू? हाँ मुझे शौक है, अच्छा मुझे मतलब फ्लाइंग का शौक नहीं है, उस पर काम करने का मजा आता है। 2 साल से अच्छा मैंने चल, फ्लाइंग इंजीनियर एज एन तुम काम इंजीनियर करना काम करने चाहते हो, वाला। ठीक है। अभी एविएशन की इंडस्ट्री बहुत सेचुरेट कर चुकी है यार, मतलब हमारे जो शाइन के इंजीनियर्स थे, जो माशाल्लाह हैवी पेस ले रहे थे, अच्छी जॉब्स कर रहे थे, और इतना नाम था कि इवन कि मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने सऊदी एयरलाइंस के भी जो जहाज़ इधर ग्राउंड होते थे उन पर काम किया हुआ, बकायदा नाम आता था कि उनको भेजा जाए, वो अच्छा, जॉबलेस फिर हैं। बस यानी आजकल कोरोना की वजह से तो फिर कोरोना तो अब आया ना। चलो, पुरानी बात है ये, तो थोड़े ये थोड़ा तो ही टाइम रह गया मतलब मेरा कि जॉब के हवाले से ये चल रहा है पाकिस्तान ये में। चल रहा हाँ है, नहीं, ये तो है, ये तो उसकी है, वजह से ना वी आर वन ऑफ द मैं लकीएस्ट पीपल जिनके पास जॉब है लिटरली और साथ हम अभी ये बैठ के गप्पे लिटरली लगा रहे हैं। लिटरली ठीक है, सीधी सी बात मैं है। जब लिंक्डइन पे, पता नहीं रोजी डॉट पी के पे या लिंक्डइन में मैंने अप्लाई किया था, तो सर ने बुलाया था, सर आमिर ने इंटरव्यू के लिए ना, अच्छा उधर से तो जब ऐड लगा था ना, हम ढूंढ रहे थे ये ऐड कहाँ है, ये किधर है, ढूंढो इस ऐड को, हमें नहीं मिला तो था। मैं इंटरव्यू देने गया ना, तो सर ने मुझे बिठाया है, तो मेरा एक्सपीरियंस था 2 साल का एविएशन से, और 4-5 महीने एक और इंडस्ट्री में लगा गया था। हाँ तो सर आमिर मेरे से ना कहते हैं कि सर गुरु में सर आमिर ना, कि अगर कहीं और से अपॉर्चुनिटी आई तो क्या करूँ। मैं इतना डेस्परेट था ना, मैंने कहा सर मुझे अमेरिका से भी आई ना, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे जॉब दो। तूने यही बोला एग्जैक्टली तो नहीं था मेरा, मेरे वो समझ, इमोशन समझ ही होंगे, सर कुरम तो हाँ वैसे भी हंस पड़ते हैं थोड़ा, तो हाँ वो उनकी चेहरे पे स्माइल भी आ गई थी ना, कि मतलब बहुत ही फारा हुआ मैं इसको। चलो, तो बहरहाल वो दिन है 2019, मेरे ख्याल से मार्च, मार्च नहीं, या हाँ उससे पहले के दिन, ऐसे ही टाइम ठीक था। है, वो है। और अब है अल्लाह का शुक्र है, अच्छी जॉब है, थोड़ा सा तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी यही है यार, कि करंटली जॉब है हाँ फिर या उसके बाद सरकारी जॉब है। सरकारी जॉब, सरकारी जॉब से मुझे सरकारी एक बात याद, तुझे याद आई ये क्या? बात, मैंने इधर नहीं बताऊंगा, बाद में ऑफ कैमरा बताऊंगा, हाँ वो क्या बात बात नहीं है। कर तो सकते बहरहाल चलें, अल्लाह का अभी। शुक्र है जॉब है, और अल्लाह अच्छी जॉब है, और इसके इस जॉब के साथ अच्छी चीज़ ये है कि आप कुछ और कर सकते हो, ये तो छोटा सा है, वेंचर देख मतलब सकते हो। जॉब 2 किस्म की होती है, आपकी जॉब लग जाती है फिर भी आप घर में भी जॉब वाला ही काम कर रहे होते हैं, हाँ मतलब ऐसी भी जॉब है, मतलब आपको वो तंग करके रखते हैं पूरे सही टाइम बात पे, है, 24 घंटे के मुलाजिम। सही इसका ये बात है। सीन है, जितना आपका टाइम है आप उतना टाइम दो, उसके बाद आप फ्री हो, जो मर्जी करो, मेरा एक दोस्त है वो ये उसके साथ ही होता है, ऐसे ही है। बल्कि दो तीन दोस्त हैं इनके और साथ टेलीकॉम यार इवन, कंपनी में हो। ऑफिस जाते हैं ऑफिस का टाइम लगा के फिर घर में भी रात को 12 बजे तक अच्छा, काम करते हैं। मैं पाकिस्तान कहता में यार ना, फायदा क्या, तुम्हें पैसे तो दे नहीं पाकिस्तान में रहे। सबसे, टेलीकॉम हाँ इंडस्ट्री है, नहीं एक तो मार्केटिंग में है और एक है, एक वो है सॉफ्टवेयर अच्छा, इससे ना डिजाइन। मेरे ख्याल से, हाँ इस चीज़ से ना जो मैं बात करने लगा ना, इससे मेरे ख्याल से आपकी ऑडियंस भी इत्तेफाक शायद करे, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि आप पाकिस्तानी पेज नहीं है यार,
आप अपनी मेहनत के हिसाब से पेड नहीं होते, मतलब यार वो तो नहीं लेदा बात होता है कि आप 8 घंटे की पे उसको बता रहे हो कि इतनी है और उससे काम आप 14 घंटे करवा हाँ, रहे हो। ऐसी एक और दोस्त है, पहली बात है ना कि इधर इंजीनियर को हायर कोई नहीं करता। हाँ इंजीनियर की तो कोई हैसियत नहीं है मेरी जान। इंजीनियर का जो काम है वो टेक्नीशियन कर रहा होता है, और टेक्नीशियन की जो क्वालिफिकेशन है उस लिहाज से उसकी पे डिसाइड होती है। मतलब अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, काफी मशहूर कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है एक। अच्छी चीज ये है कि हम तीनों के हक में और हमारे जो और क्लीग्स हैं उनके तो इंजीनियरिंग काम आ गई। जो बेचारे करते हमारे अपने क्लास फेलोज हैं यार कितने। पाकिस्तान में ना एक चीज जो मुझे मजे की लगती है, जो बहुत मजे की है, हमारा नॉर्दर्न एरिया बंदा रिलैक्स हो जाता अच्छा यार, है यार, क्या कहेंगे। हाँ लेकिन मैं तो बड़ा रिलैक्स होता हूँ। मैंने रिलैक्सिंग वाला ट्रिप नहीं किया आज तक कोई। आप तो मैं ज़लील हूँ। बड़े अजीब किस्म के होते हैं ना इस। अच्छा तुझे तुझे एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली ट्रिप लगा गए हैं, 18 घंटे की वॉक की है भाई। 18 घंटे की वॉक, 18 घंटे ना, 18 घंटे नहीं, हमने 8 दिन का ट्रिप था हमारा और हम कोई 80 किलोमीटर चले और 80 किलोमीटर हम 4 दिन चले, 3 दिन हमने रेस्ट किया बीच में, मतलब पहले 2 दिन चले फिर उसके बाद आखिरी 2 दिन चले, लेकिन उसके बाद मैंने अच्छा मेरा पर्सनल मैं दो जगह होके आ चुका हूँ, स्कर्दू दियो सही मिनीमर्ग और ये और दूसरी साइड इधर अच्छी कौन सी जगह लगी खुंजराव वाली साइड मिनीमर्ग वगैरह मिनीमर्ग दियो सही नहीं चला दियो सही मिनीमर्ग ही गया। हाँ। मेरा एक ट्रिप का रूट ऐसा था स्कर्दू दियो सही मिनीमर्ग और डुमेल फिर वापस स्कर्दू से घर। अच्छा अच्छा फिर दूसरा मेरा ट्रिप था हुंजा गिलगित और ये सारी साइड। हुंजा मुझे नहीं इतना नहीं वो रोड ट्रिप था एक तरीके से कर रहे हैं। हुंजा इज क्या कहते हैं अगर आप हनीमून पे जा रहे हैं आपके साथ गर्लफ्रेंड है हनीमून पे जाएंगे अभी जल्दी एक आपकी आपकी शादी शख्स जल्दी जाएंगे आपकी शादी हो तो फिर आप जाएंगे। मैं ना रिलैक्स हो जाता बंदा, या बात माने या ना माने एक ना वो रीसेट हो जाता। अगर आपका रिलैक्सिंग ट्रिप हो तो, लेकिन अभी जो मैं 8 दिन गया हूं यार वो तो मैं रीसेट नहीं हुआ। मैंने अभी आपको गाड़ी में बोला 3 बंदे है ना, मैंने अभी आपको देखें हां जितनी कैपेसिटी है ना गाड़ी की उतने ही बंदे बस लेके जाओ। नहीं नहीं मैंने अभी तुझे रास्ते में बोला कि गाना हो पुराने गाने अली हैदर और जुनैद जमशेद वाले एरा के गाने हो और गाड़ी में यार मैं एक मिनट कॉल सुन हां सुन ले गाड़ी में मैक्सिमम 3 लोग हां फिर जाना ट्रिप का चस आ जाती है। अच्छा मैं रिलैक्स हो जाता मैं जितनी दफा भी गया हूं ना मैं रीसेट होके वापस आया हूं और आई हैड पावर टू स्टार्ट माय लाइफ अगेन। But I did not have power to start my life again. आप बेवकूफी कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ उसपे। पर चलो यार अब हो गया, इस बार हमने डिसाइड कर लिया है, मैंने उस दोस्त को नहीं। अगर मैं आपने ट्रिप लगाना है ना प्लान करते हैं मैं आप और वहाँ चलते हैं अकेले गाड़ी फिर क्या करेंगे गाने में आपको सुनाऊंगा रोड ट्रिप मारेंगे फिर यार वो करने को तो कर लेंगे लेकिन अब मैंने उसको भी जो दोस्त था ना जिसने प्लान बड़ा हैवी हो गया था हमारा उसको मैंने बोला भाई 1 घंटे के आधे घंटे की भी हाइकिंग हुई मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। ये ना बड़ी एक फनी सी स्टोरी है। हाँ हम गए स्कर्दू। हाँ तो स्कर्दू में दोस्त था उसके वालिद साहब लगे हुए थे ब्रिगेड कमांडर। अच्छा तो ये स्टोरी डालना बहुत फनी है। हाँ, तो उसने ना हम जा रहे हैं गाड़ी में फौजियों की आबशार देखी ऊपर ना फौजी ने रोक दी गाड़ी। तो दोस्त कहता है यार ये कितनी दूर है तो उधर जवानी चढ़ी हुई है नवे नवे स्कर्दू आए पहली दफ़ा ट्रिप मारा यार मैक्सिमम कोई 15 मिनट लगेंगे। अच्छा जी चलना शुरू करो यार आई नहीं रही चली जा रहा हूँ पेंट फट गई मेरी गलत जगह से गिर फिसल गया था फिर ओ यार चली जा रहा हूँ एंड पे घंटा हो गया वो आबशार नहीं आगे दे रही पता नहीं क्या सीन था कोई हमारे साथ इल्यूजन हो गया था मुझे अभी तक नहीं समझ इस चीज़ की। अच्छा मैं ऊपर पहुँचे यूं चढ़ के ऊपर अब यूं करके उतरो फिर ऊपर दोबारा फिर ऊपर चढ़ो मैं उधर ही रुक गया पहाड़ ऊपर नीचे चढ़ो भाई फिर मैं उधर ही रुक गया रहा तो फिर एक फौजी भाई था उसने मोटिवेट किया ऊपर पहुँचे हैं फिर मैंने कहा मैं जाऊँगा आराम से नीचे तो पेंट भी फटी हुई थी भाई की पता था औरों को पेंट फटी हुई हाँ मैं बता दिया था इतने को दो पड़ी यार स्वेटर था सर्दी के दिन थे स्वेटर बांध लिया बस फिर और क्या करता अच्छा अच्छा तो बहरहाल फिर ऊपर पहुँचे
तो हाइकिंग से मेरी जान जाती है। मुझे मुनाल ले गए थे ट्रेल 5 पे, मैं बहुत मोटा हुआ करता था ना, जिम अच्छा किया तो थोड़ा सा वेट लूज़ किया, बहुत मोटा था, अच्छा दो उल्टियाँ करती हुई रास्ते हाइकिंग करते हुए, लेकिन पहुँचा हूँ ऊपर, नहीं वो तो यार फिर करना पड़ता ना, आधे रास्ते में बंदा बैठ तो नहीं सकता। पहुँचा हूँ मैं ऊपर। मतलब मैं तुझे बता रहा हूँ 80 किलोमीटर चलना, तू खुद सोच। मतलब नॉर्मल दिनों में तुझे कोई बोले 4 दिन तू चलता रहे, मैं अपनी गली में नहीं वॉक कर मैं सकता। वही कह रहा हूँ ना 80 किलोमीटर। और फिर मसला ही ना कि जब आप पहाड़ चढ़ना शुरू करते हो, हाँ आधे रास्ते में तो आप ना पीछे जा सकते हो ना ना आगे जा आगे, सकते हो, फिर आप ऑप्शन ही एक होता है कि भाई उधर जाएंगे टेंट लगाएंगे और ये करेंगे। मैं नहीं कर सकता एक। तो जो आखिरी हमारा जो जो कटवाल लेक पे जो हम गए हैं ना यार, इंतहाई कोई जलीलों वाली हाइक नहीं होती, जलीलों वाली यार, बस चढ़ाई खत्म ही ना हो, बस इस तरह जा रहे हैं बस हम। मतलब होते हैं ना बीच में मेडोज आ जाते हैं आखिर हाँ में जाके आए, लेकिन आखिर तक आखिर में जो घंटे का रास्ता होता है ना वो आप 2.5 घंटे में करते हो, क्योंकि आप इतने थक चुके होते हो, आपसे चला ही नहीं, वो हल्की सी भी जमीन थोड़ी सी भी ऊपर होती है ना, बंदा आ कहता बस गया मेरा सांस गया, खत्म हो रहा है ऐसी बस। हाइकिंग से तो मेरी हाँ खुद जान जाती है। मुझे तो अगर हाँ कोई ले जाए यार आई डोंट गाड़ी के माइंड। कहीं भी ले जाओ। अब मैं जिस माउंटेन लेक पे गया था ना, उधर 30 40 मिनट की हाइक थी और आगे बड़ी आबशार थी, वो अच्छी हाइक थी, नॉर्मल हाइक थी, वो प्रॉपर 30 40 मिनट की हाइक थी। ये नहीं था कि 30 40 मिनट का बोल के 2 घंटे लग रहे हैं, ये आपने वाला काम ब्रेक नहीं ली था। थी रिलैक्स करने के लिए और आप हाँ सही ख्वार हो गए उस थे। नहीं ट्रिप में मैं रीसेट हुआ था, उसमें हमने रेस्ट भी सही किया था, इस वाले में तो भाई। ट्रिप्स नॉर्दर्न एरियाज ब्यूटीफुल हैं आपके, अगर किसी का इत्तेफाक नहीं है, लोग तो जाते रहते हैं आजकल, यूट्यूब से भी देख लेता बंदा, हाँ ये तो है, लेकिन जाना चाहिए यार, मेरा तो ये मानना है जाना जाना तो चाहिए, चाहिए। लाइफ को एंजॉय करूँ, मेरे ख्याल छोटी सी जिंदगी है से यार। अमान साहब की कॉल लंबी हो गई है और हमने भी एंडिंग करनी है। हाँ करें बस ऐसी, चलो फिर मैं तो बहरहाल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम हम कोई अच्छा सा टॉपिक लागे ना उस पे स्पेसिफिक बात सियासत ना करेंगे। रखना, सियासत नहीं, सियासत सियासत नहीं, नहीं। अपने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं हाँ वो बात एक्सपीरियंसेस करेंगे। शेयर करेंगे, हाँ मेरा एक मानना है कि शुगल मेला लगाएंगे, हाँ लगाएंगे शुगर मेला, शुगल मेला लगाओ, जिन्हों की कहानियाँ तेरे पास भी, जिनों की मेरे कहानियाँ मेरे बहुत है पास भी भाई। बहुत हैवी हैवी हैं। वापस भी तूने घर जाना होगा।